दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उस सुनहरे दौर की याद दिलाने वाले हैं जब हिंदी सिनेमा जगत की शुरुआत हुए कुछ समय ही बीता था। लोग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आते थे। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ऐसी फिल्में हुआ करती थीं जिन्हें शायद आज की कोई भी फिल्म टक्कर ना दे सके, और इन फिल्मों में नजर आए कलाकारों को भी आज कोई टक्कर नहीं दे सकता। ऐसे ही एक कलाकार रहे किशोर साहू, जिन्होंने अपने दौर में न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि अपनी खुद की फिल्मों का निर्देशन किया। शायद आपने किशोर साहू का नाम ना सुना हो, लेकिन ये हिंदी सिनेमा जगत के वो हीरो हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत कभी नहीं भूल सकता, लेकिन समय के साथ लोग इन्हें भूल चुके हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके आज के हालात के बारे में बताने वाले हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता किशोर साहू का जन्म 22 नवंबर 1915 को भारत में राजनांदगांव जिले में हुआ था। उनके पिता राजनांदगांव के राजा के प्रधानमंत्री थे। अभिनेता ने अपनी पढ़ाई नागपुर विश्वविद्यालय से पूरी की है। साल 1936 में ग्रेजुएशन करते ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया, जिस वजह से उन्हें लघु कथाएं लिखने में रुचि आने लगी। लघु कथाएं लिखने में रुचि ने उन्हें सिनेमा के संपर्क में लाया, जहां उन्होंने शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में काम किया। साहू को हिंदी सिनेमा में आने का मौका मिला हिमांशु रॉय की वजह से। हिमांशु रॉय ने 1938 में आई फिल्म जीवन प्रभात में साहू को मुख्य अभिनेता के तौर पर चुना। इनके ऑपोजिट नजर आई अभिनेत्री देविका रानी। फिल्म सुपर हिट साबित हुई। अभिनय करने के बावजूद भी उन्होंने कभी लिखने का काम नहीं छोड़ा, जिसके बाद उन्होंने खुद को एक बेहतरीन निर्देशक के रूप में स्थापित किया और कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। उनकी पहली फिल्म रही बहू रानी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। हिंदी मूवी नदिया के पार, जिसमें उन्होंने कास्ट किया दिलीप कुमार और कामिनी कौशल को, फिल्म सुपर हिट रही और 1948 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। किशोर साहू 1937 और 1980 के बीच 22 फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने 1942 और 1974 के बीच 20 फिल्मों का निर्देशन किया। बात की जाए इनके आज की, तो ये दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इन्होंने 22 अगस्त 1980 को बैंकॉक थाईलैंड में आखिरी सांस ली थी। अपनी बढ़ती उम्र की वजह से ये काफी बूढ़े नजर आने लगे थे। अपने आखिरी समय में ये काफी ज्यादा बीमार भी रहने लगे थे, जिस वजह से ये ठीक से चल भी नहीं पाते थे। तो दोस्तों, आपको हिंदी सिनेमा जगत के महान कलाकार किशोर साहू के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड की ऐसी और चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।